दीपिका पादुकोण वर्सेस कैटरीना कैफ टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज। दीपिका पादुकोण की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है 83, जिसने 180 करोड़ के बजट से 195 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वही कैटरीना कैफ की 10वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिसने 55 करोड़ के बजट से 155 करोड़ रुपए कमाए थे, तो पॉइंट दीपिका पादुकोण को मिलता है। दीपिका पादुकोण की 9वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है गलियों की रास लीला रामलीला, जिसने 80 करोड़ के बजट से 235 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं कैटरीना कैफ की 9वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है जब तक है जान, जिसने 70 करोड़ के बजट से 235 करोड़ का कलेक्शन किया था, तो पॉइंट कैटरीना कैफ को मिलता है। दीपिका पादुकोण की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है ये जवानी है दीवानी, जिसका बजट था 40 करोड़ और इसने 320 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वही कैटरीना कैफ की 8वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है सूर्यवंशी, जिसने 160 करोड़ के बजट से 294 करोड़ रुपए कमाए थे। पॉइंट दीपिका पादुकोण को मिलता है। दीपिका पादुकोण की 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है बाजीराव मस्तानी, जिसने 140 करोड़ के बजट से 350 करोड़ रुपए कमाए थे। वही कैटरीना कैफ की 7वीं हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है ठगस ऑफ हिंदुस्तान, जिसने 250 करोड़ के बजट से 328 करोड़ रुपए कमाए थे। पॉइंट दीपिका को मिलता है। दीपिका पादुकोण की 6ठी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है फाइटर, जिसने 250 करोड़ के बजट से 358 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था, तो वही कैटरीना कैफ की 6ठी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है बैंग बैंग, जिसने 160 करोड़ के बजट से 340 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। दीपिका पादुकोण की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है हैप्पी न्यू ईयर, जिसका बजट था 150 करोड़ और इसने कलेक्शन किया 390 करोड़ का, तो वही कैटरीना कैफ की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। एक था टाइगर, जिसका बजट था 75 करोड़ और इसने कलेक्शन किया 320 करोड़ का, तो पॉइंट दीपिका पादुकोण को ही मिलता है। दीपिका पादुकोण की 4थी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है चेन्नई एक्सप्रेस, जिसने 70 करोड़ के बजट से 423 करोड़ रुपए कमाए थे। वही कैटरीना कैफ की 4थी हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म है भारत, जिसने 165 करोड़ के बजट से 322 करोड़ रुपए कमाए थे। पॉइंट दीपिका पादुकोण को मिलता है। दीपिका पादुकोण की 3री सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है पद्मावत, जिसने 180 करोड़ के बजट से 570 करोड़ रुपए कमाए थे, तो वही कैटरीना कैफ की 3री सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है टाइगर 3, जिसने 250 करोड़ के बजट से 466 करोड़ रुपए कमाए थे। दीपिका पादुकोण की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है पठान, जिसने 250 करोड़ के बजट से 1050 करोड़ का कलेक्शन किया था। वही कैटरीना कैफ की 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है धूम 3, जिसने 170 करोड़ के बजट से 558 करोड़ का कलेक्शन किया था। पॉइंट दीपिका पादुकोण को मिलता है। दीपिका पादुकोण की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है कल्कि, जिसने 600 करोड़ के बजट से 1100 करोड़ रुपए कमाए हैं, तो वही कैटरीना कैफ की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है टाइगर जिंदा है, जिसने 150 करोड़ के बजट से 565 करोड़ रुपए कमाए थे, तो पॉइंट दीपिका पादुकोण को ही मिलता है। तो यहां टॉप 10 हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवीज के मामले में विनर दीपिका पादुकोण है। वैसे इन दोनों एक्ट्रेस में आपकी फेवरेट कौन है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताकर जाना, और ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।